परिस्थिति अनुसार वो बैन दिया है जी, और उससे इतना बवाल होगा ये भी बात मेरे दिमाग में थी नहीं। बीच में एक टिल्लू क्या बोला, एक टिल्लू क्या बोला बीच में, ये डेढ़ फुट क्या बोला बीच में, वो बोला कि मस्जिद में घुस के हम लोग मारेंगे। अरे मस्जिद में घुस के मारने के लिए मुसलमान तो बाद में देखेंगे, ये दलित पहला तेरे सामने आएगा, अगर हिम्मत है तो मस्जिद में घुस के दिखा। मैंने उसको पूरा चैलेंज किया था, अगर मुंबई के कोई भी मस्जिद में तू घुसता है पहले हमको बता, जितने भी तेरे लोग हैं सबको लेके आ, तू अपने पैर से आएगा लेकिन अपने पैर से वापस नहीं जाएगा मेरे दोस्तों। नारे तकबीर, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, हम सबका रिश्ता क्या। मेरे दोस्तों ये टिल्लू हम लोग में झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बीच में बोला कि 24 घंटे के लिए पुलिस हटा दो, 15 दिन के लिए पुलिस हटा दो। अरे एक दिन भी पुलिस हट जाएगी तो वो घर के बाहर नहीं निकल सकता है मेरे दोस्तों। उसको बोलो एक दिन पुलिस के बिना तू घर के बाहर निकल जा, फिर देखता है तेरी हिम्मत क्या है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। थैंक यू, शुक्रिया मेरे दोस्तों। हम लोग यहां पे आज जलसा लिए हैं, सभा लिए हैं, हमारे मुंबई प्रेसिडेंट रईस लश्करिया साहब यहां से इलेक्शन लड़ने वाले हैं, उस सिलसिले में हमने यहां सभा ली है। हम लोग यहां पे नारे लगाएंगे, हम लोग यहां पे जोश में आएंगे, हम लोग यहां पे नीतीश राणे को जेल में डालने की कोशिश करेंगे। ये हरामी महाराज है, मैं महाराज शब्द यूज नहीं करना चाहता, रामगिरी नहीं हरामी महाराज मैं बोला। ऐसे लोगों को महाराज बना के महाराज शब्द का अपमान कर रहे लोग, ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कानून का जो आरोपी है, जो गुनहगार है, उसकी साइड लेता है और उसको बचाने की कोशिश करता है, और यही एकनाथ शिंदे बोलता है अगर रामगिरी महाराज के बाल को भी धक्का लग जाएगा तो फिर ऐसा होने नहीं दूंगा। अरे एकनाथ महाराज, अरे एकनाथ शिंदे, अरे तेरे बाप का राज्य है क्या, तुम्हारे बाप का कानून है क्या? कानून तो लिखा है, संविधान लिखा है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने, जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने संविधान लिखा है वो संविधान पे ये देश और ये महाराष्ट्र चलना चाहिए। परिस्थिति अनुसार वो बैन दिया है जी, और उससे इतना बवाल होगा ये भी बात मेरे दिमाग में थी नहीं। इतना तो हमने कुछ कहा नहीं है, फिर भी उनका बवाल जो मच रहा है उसके कारण आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। यदि उन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि ऐसे कुछ कुप्रथा है कि जिससे किसी का दिल दुखता है, तो ऐसे बातों को छोड़ना चाहिए उन लोगों में भी, और कट्टरता को दूर करना चाहिए। परिस्थिति अनुसार वो बैन दिया है जी, और उससे इतना बवाल होगा ये भी बात मेरे दिमाग में थी नहीं। प्यारे दोस्तों, तो देखा आपने मुत्तहिद होने का नतीजा, मुसलमानों का इत्तेहाद देखा आपने, इसका नतीजा क्या निकला? जो इम्तियाज जलील साहब ने इतनी मेहनत की, मुसलमान इकट्ठा हुए, इसका नतीजा आखिर क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि जो शख्स कल तक झुकने के लिए तैयार नहीं था, जो शख्स कल तक कुछ मानने के लिए तैयार नहीं था, आज उस शख्स ने माफ़ी मांगी है। और जैसा कि आपने देखा कि रामगिरी बाबा ने क्या क्या बोला, और वो माफ़ी मांगने पर मजबूर हो गया। तो ये होता है इत्तेहाद करने से, ये होता है मुत्तहिद होने से। तो आपसे गुजारिश है कि आप लोग तमाम मुसलमान
इत्तेहाद बनाकर रखें और मुत्तहिद होकर रहें, एक साथ रहें, एक दूसरे का साथ दें। और आपने एक हमारे दलित भाई का भी बयान सुना होगा, क्या ही खूब उन्होंने बयान दिया, क्या ही खूब उन्होंने जो नीतीश राणे हैं उसके लिए बोला। हमारी दुआ है कि वो सलामत रहें।